नॉख माल आई एन बुंडे लाइट ओन फ्रॉइंड वी गेट ए सीन एन डियर फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग आई होप कि आप ठीक होंगे मेरा नाम है जितिंदर सिंह मैं हूं आपका होस्ट आपका मैंटोर आपके अपने चैनल पे दी जर्मन मैंटोर पे जहां सीखते आप जर्मन लैंग्वेज मेरे साथ बहुत ही आसान वे में फ्रेंड्स आज का जो टॉपिक है वो हम सीखेंगे ग्राडियरू मिट सू ये क्या होता है इसको सीखिए समझिए वीडियो को पूरा देखिए देखने के बाद लाइक कमेंट और शेयर जरूर करिए फ्रेंड्स आपके कमेंट्स का मैं वेट करता हूँ और अगर आप चैनल पे नए हैं तो उसको अभी सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन प्रेस करके सो दैट नोटिफिकेशंस आपको मिले आने वाले सभी वीडियोस के ऑन टाइम रेगुलरली मेरी तरफ से इतना तो फ्रेंड्स मैं डिजर्व करता हूँ एक सब्सक्राइब का आपकी तरफ से तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन ग्राडियरू मिथ सू वेलकम टू तो जर्मन मेन्टॉर लर्न जर्मन विद एक्सेलेंस इन हिंदी लव स्केट्स चलिए शुरू करते हैं टुडेज टॉपिक ग्राठियरुंग मिट सू अब ये होता क्या है फ्रेंड्स देखिए इसका मतलब होता है सू प्लस एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस फ्रेंड्स देखिए वैसे तो ये जो वर्ड है सू ये एक डाटिव प्रेपोजिशन है ओके okay? लेकिन जर्मन ग्रामर के अंदर इस वर्ड का इस वर्ड सू का बहुत जगह यूज़ होता है ओके okay? तो आज का जो टॉपिक है वो हम यूज करेंगे सू प्लस एडजेक्टिव के साथ एक सेंटेंस के अंदर कैसे यूज़ किया जाता है बट अगर आपने सू एज ए प्रेपोजिशन सीखना हो तो वो सेशंस आप देख सकते हैं उनके सेशंस बन चुके हैं उसका लिंक आपको मिल जाएगा ऊपर आई बटन पे क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन के अंदर आप जाके ढूंढ सकते हैं तो चलिए आज सीखते हैं सू प्लस एडजेक्टिव इन ए सेंटेंस ये कैसे होता है वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं है छोटा वीडियो है अब जो कि ग्रामर पार्ट है तो सीखना पड़ेगा वीडियो को पूरा देखिए फ्रेंड्स चलिए कॉन्टिन्यू करते हैं

बनाएंगे फ्रेंड्स जिसमें ऐसे फ्रेजेस यूज़ होंगे ऐसी सिचुएशंस यूज़ होंगे तो वहाँ पे हम सू यूज़ करेंगे तो यहाँ पर एज ए प्रपोजिशन यूज़ नहीं होगा एज ए टू यूज़ होगा सेंटेंसेस के अंदर ओके टू लार्ज टू एक्सपेंसिव टू हैवी टू इंटरेस्टिंग टू लॉन्ग तो यही सू है सू प्लस एडजेक्टिव ग्राडियरू मिट सू अब चलिए शुरू करते हैं मैं आपको थोड़ा सा पिक्चर फॉर्म में और सेंटेंसेस फॉर्म में बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक सु प्लस एचैक्टिव देखिए यहाँ पर एक आप पिक्चर देख सकते हैं एक छोटा सा घर है और ये उसका ऑनर है तो दास हाउस इसका मतलब होता है दी हाउस अभी ये जो पर्सन है ये ओनर है फर्स्ट स्टेटमेंट बोलता है दास हाउस इज क्लाइन द हाउस इज स्मॉल तो ये एक नॉर्मल सेंटेंस है नॉर्मल स्टेटमेंट है नॉर्मल फ्रेज है अब इसी सेंटेंस को हम सू प्लस एडजेक्टिव के साथ कैसे यूज करेंगे देखिए तो अब सिनेरियो चेंज हो गया अब ये ओनर बोल रहा है इश फिंड हाउस सू क्लाइन आई फाइंड द हाउस टू स्मॉल तो पहले एक नॉर्मल स्टेटमेंट था अब इसी स्टेटमेंट को इस ओनर ने इस पर्सन ने थोड़ा सा चेंज करके बोला इश फिंड हाउस सू क्लाइन आई फाइंड द हाउस टू स्मॉल तो इसने कुछ ऑब्ज़र्व किया ये घर इसके अकॉर्डिंग छोटा सा है टू स्मॉल है तो ये जस्ट आपको समझाने के लिए है कि ऐसे फ्रेजिस में जहाँ पर टू की सेंस में होगा तो वही होता है सू प्लस एडजेक्टिव तो इसमें जो आपने एडजेक्टिव यूज़ करना है फ्रेंड्स वो प्योर फॉर्म में इन्फिनेटिव फॉर्म में यूज़ करना है तो आई फाइंड द हाउस टू स्मॉल आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा सू प्लस एडजेक्टिव कैसे यूज़ किया जाता है आगे चलते हैं एक एग्जांपल और देख लेते हैं यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर कार है ये पर्सन उसका ऑनर है और ये आपको कुछ मनी दिखा रहा है लेकिन पहले ये फ्रेज बोल रहा है आपको दास आउट ईस्ट ठॉयर द कार इज एक्सपेंसिव अब इसको ये एक्सप्रेस कर रहा है एक दूसरे फ्रेज में देखिए कैसे इश फिंडर दास आउट सू टॉयर आई फाइंड द कार टू एक्सपेंसिव तो ये भी एक नॉर्मल और सिंपल फ्रेज सेंटेंस था तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा अब चलते हैं आगे एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर एक पर्सन है वो बुक को पढ़ रहा है तो पहले वो नॉर्मल फ्रेज़ बोल रहा है द बुक ईस्ट इंटरेस्टेंट द बुक इज इंटरेस्टिंग अब इसी फ्रेज को चेंज करके वो बोल रहा है इशफिंड द बुक सू इंटरेस्टेंट आई फाइंड द बुक टू इंटरेस्टिंग तो फ्रेंड्स जहाँ पर टू और आगे एडजेक्टिव लगेगा तो यही होता ग्राडियोरूम मिथ सू ठीक है तो बहुत ही आसान टॉपिक है एक जनरल चीज़ है बट ग्रामर पार्ट है तो आपको पता होना चाहिए अब चलते हैं आगे कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं एक अलग फ्रेजिस की फॉर्म में तो यहां पर एक डिश आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर यह सेंटेंस आपके सामने आया दूड नूडल जिन लेकर अबर डी सो सु शार्फ इसका मतलब क्या बना नूडल्स आर टेस्टी बट द सॉस इज टू स्पाइसी ओके तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने दो फ्रेज़ बनाए दो सेंटेंस बनाए बीच में कॉमा है कॉमा के आगे आबर है आबर एक आ, एक कनेक्टर होता है ये हम आने वाले सेशन में सीखेंगे मैं आपको सिखाऊंगा बट अभी के लिए सिर्फ इतना समझिए कि दो क्लॉजिज़ को दो सेंटेंसिस को आप बना के भी सू प्लस एडजेक्टिव का यूज़ कर सकते हैं तो द नूडल्स आर टेस्टी बट द सॉस इज़ टू स्पाइसी तो ये जस्ट कॉन्सेप्ट समझने के लिए है आप सेंटेंसिस को कैसे भी बना सकते हैं ओके okay, एक एग्जाम्पल और देखते हैं ये रहा फ्रेज सेंटेंस आपके सामने देर वाइन इज कूट आबर इश फिंड टॉयर द वाइन इज गुड बट आई फाइंड द प्राइज टू एक्सपेंसिव तो यहाँ पे सू टॉयर बन गया आपका टू एक्सपेंसिव तो सिमिलरली दो फ्रेज को कनेक्ट करके एक सिंगल फ्रेज बना दिया बीच में आबर है आबर का मतलब बट होता है तो ये भी सिमिलर एग्जाम्पल था आपको और समझाने के लिए एक लास्ट एग्जाम्पल और देख लेते हैं फ्रेंड्स आज के सेशन का देखिए ये एक पिक्चर है एरोप्लेन है और ये रहा सेंटेंस और फ्रेज आपके सामने डेर फ्लू घाफन ईस्ट ग्रोस आबर एस ईस्ट सू वाइट द एयरपोर्ट इज बिग बट इट इज टू फार तो फ्रेंड्स ये था आज का टॉपिक आज का सेशन आप आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा समझ आया होगा आपने सारे एग्जाम्पल्स देखे पिक्चर्स के साथ आपको बड़े अच्छे तरीके से मैंने समझाया तो प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए ऐसे बहुत सारे सिमिलर सेंटेंसेस आप भी बना सकते हैं मुझे कमेंट करिए मैं आपको क्लियर करूंगा अगर आपको समझ में नहीं आया या वीडियो को आप रिवाइंड करके भी देख सकते हैं छोटा टॉपिक था बट इंटरेस्टिंग था तो फ्रेंड्स लास्ट में आपसे कहूँगा थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो को देखने के लिए और आ, आने वाले सेशन्स में भी जो हैं मैं आपको ऐसे ही पिक्चर फॉर्मेशन में सिखाता रहूँगा बताता रहूँगा प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए लाइक कमेंट शेयर भी करिए फ्रेंड्स सब कुछ करिए लेकिन सब्सक्राइब जरूर करिए बेल आइकन प्रेस करके जर्मन सीखते रहिए आपके अपने चैनल द जर्मन मेंटोर पे जहाँ पर मिलूंगा मैं आपका मेंटोर आपका होस्ट जतेंद्र सिंह मेरा नाम है सेफ रहिए सुरक्षित रहिए घर पर रहिए और जल्दी मिलेंगे जर्मन में आपसे बोलूँगा पिस्पाल जूस चाओ आओ वि जेन बाय बाय